दोस्तों ये वाला वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि सिहाब भाई आज पंजाब में एंट्री करने वाले हैं, तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें क्योंकि हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई एमडी आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे चैनल में एक नए सफ़र और एक नए सिहाब भाई के अपडेट के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोग इन तक देखिएगा क्योंकि आज सिहाब भाई का पंजाब में एंट्री होने वाला है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आखिरी तक देखें, बने रहें। तो दोस्तों सिहाब भाई कल जहाँ रुके थे खेरू वाला गाँव में, वहाँ पर चलते हैं, जो भवन था वहाँ पर सिहाब भाई रुके हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं अब सिहाब भाई निकले हैं कि नहीं। तो वहाँ से तो दोस्तों सुबह 6 बजे ही सिहाब भाई संत निरंकारी भवन, इसमें जहाँ आज रात को रुके थे, यहाँ से निकल लिए हैं। तो चलिए चलते हैं सिहाब भाई के काफिले की तरफ सुबह 6:10। दोस्तों बाबा जी भी सुबह सुबह साइकिल से निकल लिए हैं। कितने बजे सिहाब भाई निकले हैं बाबा जी? 6:10। 6:10। आगे कहाँ स्टॉपेज है इनका? आगे 30 किलोमीटर के आगे जो स्टॉपेज आएगा वहाँ पता चल जाएगा। पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे आज 100%। चलिए धन्यवाद, बाबा जी भी साइकिल से चल रही हैं। तो दोस्तों सिहाब भाई सुबह 6:10 पे खेरू वाला गांव से निकलने के बाद यहां पहुंचने वाले हैं। यहां पे पंजाब पुलिस भी प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। यहां पे देखिए कुछ सर लोग बैठे हैं पंजाब के, तो यहां कुछ भाई लोग हैं, उनसे पूछते हैं यहां कौन कौन सा गांव है। कौन सा गांव है भाई जान? गद्दरगढ़। ये पंजाब में एंट्री हो चुका है कि अभी नहीं? नहीं, राजस्थान है अभी। अभी कितने दूर पंजाब सीमा है? आधा किलोमीटर। तो दोस्तों अभी 500 मीटर के करीब और है पंजाब बॉर्डर। यहाँ पे देखिए पंजाब पुलिस पहले से ही प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हो चुकी है। ये ढाबा है यहाँ पे, कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं सिहाब भाई, तो बने रहें आप सभी लोग वीडियो में। तो दोस्तों राजस्थान का ये लास्ट स्टॉपेज है। ये देखिए ये नहर है, इस नहर के इस पार ये राजस्थान है और उस पार पंजाब बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ही देर में इस बॉर्डर पे आने वाले हैं सिहाब भाई। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं उनका इस्तकबाल के लिए। तो ये लास्ट स्टॉप है, वहाँ पे पंजाब पुलिस भी रेडी हो चुकी है आगे। दोस्तों सिहाब भाई का काफिला पंजाब बॉर्डर के करीब आ चुका है। देखिए बस कुछ ही देर में पंजाब में एंट्री होने वाली है सिहाब भाई की, तो बने रहें आप सभी लोग वीडियो में। अभी दिखाते हैं आप लोगों को पंजाब में धमाकेदार एंट्री होने वाली है सिहाब भाई की बस कुछ ही देर में। ये नहर जो है यही सीमा लगती है, उस पर राजस्थान इस पर पंजाब है। तो कुछ ही देर में सिहाब भाई का काफिला आने वाला है पंजाब बॉर्डर में, बने रहें आप वीडियो में देखिए। तो दोस्तों फूलों के बरसात के साथ सिहाब भाई का एंट्री पंजाब में होने वाली है। देखिए बस कुछ ही पीछे पीछे
सियाब भाई पंजाब बॉर्डर क्रॉस करते हुए यहाँ से अब ये एंट्री हो चुकी है सियाब भाई की पंजाब बॉर्डर में। ये पंजाब पुलिस भी उनके प्रोटेक्शन में आ चुकी है यहाँ पे, राजस्थान पुलिस चली गई यहाँ से। तो दोस्तों सियाब भाई सुबह 6:10 पर खेरूवाला गांव से निकल चुके थे, राजस्थान खेरूवाला, और खेरूवाला गांव जिला श्रीगंगानगर स्टेट राजस्थान, वहां से सुबह 6 निकल चुके थे। अभी 8 करीब सियाब भाई की एंट्री पंजाब में हो चुकी है। तो ये राजपुरा गांव है और ये यहां पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। तो राजपुरा गाँव है यहाँ पर, यहीं पर सियाब भाई रुके हुए हैं। तो अब तक इस तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।